अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है एक ऐसा सूप जो कि आपको फुल न्यूट्रिशन देगा। ये सूप बजट फ्रेंडली के साथ साथ फुलफिलिंग भी है। इस सूप में प्रोटीन, कार्ब्स और विटामिन सब कुछ पाया जाता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर बॉइलिंग वाटर में हम तकरीबन 400 ग्राम्स चिकन के डाल देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 क्लोव गार्लिक का, अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच सिनेमन स्टिक। यहाँ पर मैं 3-4 बेबी टमाटर्स डाल रही हूँ और अगर आप चाहें तो दूसरे टमाटर भी डाल सकते हैं। Approximately 1 inch ginger, इस वक्त हमारा स्टोव का जो फ्लेम है वो मीडियम है। इसके बाद 1/2 कप हम पेस्टा का डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे, लेकिन मेक श्योर कि हमारा सूप उबल कर बाहर नहीं आ जाए। यहाँ हम 1/4 कप स्वीट कॉर्न्स के डाल देंगे। हाफ कप पोटैटो के चंक्स हैं और 1/2 कप ही मशरूम्स हैं। इस सूप का सिंपल सा फार्मूला यही है कि हम चिकन के साथ साथ हर वो इंग्रेडिएंट्स जिसका टेंडर होना ज़रूरी है चिकन के साथ ही ऐड कर देंगे। पेस्टा चूंकि हमने शुरू में ही डाल दिया था और यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो इनफ टेंडर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा चिकन फुली बॉयल हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब हम इसके स्मॉल पीसेस कर देंगे। ये हमारा श्रेडेड चिकन अगेन हम पैन में वापस डाल देंगे। चिकन के साथ साथ हम 1/2 कप कैरेट्स के कटे हुए पीसेस को भी डाल देंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। इसके साथ ये बॉयल्ड चिक पीस के जो 1/2 कप हैं वो भी डाले जाएंगे। जो बेबी टोमेटोज हमने डाले थे वो हम सूप से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये मैश होने के बाद कलर छोड़ देंगे, इसलिए हमें इनका कलर नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लेवर ही चाहिए था। अब हम मूव ऑन होते हैं अदर स्टेप्स की तरफ, जैसे कि सीजनिंग। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 लेमन जूस, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 एप्पल साइडर विनेगर, 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हम कुछ ब्लैक पेपर्स ऐड कर देंगे जो कि क्रश नहीं, क्योंकि क्रश की हुई ब्लैक पेपर्स से सूप का कलर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल और ऐड कर देंगे जो कि क्रंच ही अच्छी लगती हैं, इसलिए हम इनको लास्ट में ऐड करेंगे। माशाल्लाह हमारा कलरफुल सूप रेडी होने के बिल्कुल करीब है। अब हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर देंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। कुछ लोग थिक पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा लिक्विडी पसंद करते हैं। कुछ देर बॉईल आने के बाद लास्ट में हम बीटन एग ऐड कर देंगे। इट्स 1 मीडियम साइज बीटन एग।
एग ऐड करने के बाद हम स्टोव को थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे और ऊपर थोड़ी देर के लिए लिड दे देंगे ताकि इनके फ्लेवर अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह सूप इज़ परफेक्टली रेडी। अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें सीजनिंग और कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रेडीमेड सीडेड बगेट है, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं लेकिन जस्ट ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसके साथ सर्व करूँगी क्योंकि जो सूप है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट मील है। यहाँ तक कि हमने सूप के अंदर कार्ब्स भी शामिल कर दिया है जो कि पास्ता की शक्ल में है। स्पेशली ये सूप बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि एक साथ उनको सारी न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम सूप को सर्व करते हैं। वेट लॉस करने के लिए भी ये सूप बहुत ही रिकमेंडेड है। हमने इसको एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस और हैलोपिनोस के साथ सर्व किया है। यूके में चूंकि विंटर की आमद आमद है और ऐसा सूप आपको विंटर में वार्म भी रखता है और फुल न्यूट्रिशन भी देता है। फुल न्यूट्रिशन के साथ साथ ये फुलफिलिंग भी है। यहाँ पर मैं अपने सब न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम भी कहूँगी और ढेरों दुआओं के साथ जज़ाकल्ला खैर भी कहना चाहूँगी। तो गाइस आई होप यू लाइक्ड दिस रेसिपी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।